खाए जलता है बदन, लग गई है वैक्सीन और जलता है बदन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम। देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद फीवर का होना एक नॉर्मल साइड इफेक्ट है। बहुत लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। आइए समझते हैं, ये बुखार जो है ना, बुखार ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये हमारा दोस्त है। इनफैक्ट ये जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिंस E2, और ये जाते हैं सीधे हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ब्रेन में सिचुएटेड एक ग्लैंड है, इसको ब्रेन ऑफ द ब्रेन बोलते हैं। हाइपोथैलेमस बहुत सारे काम करता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट काम है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन वहाँ जाएगा तो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वहाँ जाके उसको हायर लेवल पे सेट कर देता है, 101 डिग्री, 102 या 3 तक भी। अब ये हायर टेम्परेचर जो पैथोजेंस हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है, तो ये इनफैक्ट हमारे को इन्फेक्शन से फाइट करने का एक तरीका है। सेकेंडली, ये इम्यून सिस्टम को भी ज़्यादा एक्टिवेट करता है। तो बुखार का आना कोई बीमारी नहीं है, ये इनफैक्ट इन्फेक्शन को रोकने का तरीका है। अब आजकल क्योंकि वैक्सीनेशन जोरों पर है, वैक्सीनेशन लग रहा है, तो वैक्सीन जब लगवाते हैं, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, तो कुछ लोगों में बुखार आ जाता है। बुखार आ जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, बॉडी में दर्द होगा, जॉइंट पेन होगा, एब्डोमेन भी अपसेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं, इससे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बॉडी के, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है। क्योंकि जो वैक्सीन है वो है क्या, वैक्सीन एक तरीके से, कोवैक्सीन क्या है, कोवैक्सीन एक तरीके से इनएक्टिवेटेड वायरस है। हमने जो कोरोना वायरस था उसको डेड कर दिया, अब वो हमारी बॉडी में जाके वो हमें बीमार तो नहीं करेगा, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, एंटीबॉडीज़ बनेंगे। और जो कोविशील्ड है वो नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड का वायरस होता है ना, एडिनो वायरस, चिंपैंजी से ले लिया गया है, उसको मॉडिफाई करके कोरोना वायरस जैसा बना दिया, तो वो हमें बीमार तो नहीं करेगा लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा। अब इस तरह के साइड इफ़ेक्ट का आने का मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये जो बुखार है, ये जो सिम्टम्स हैं, 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। इनमें कोई दवा वगैरह की भी नॉर्मल ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आपको बुखार तंग कर रहा है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल जो ठंडी पट्टी रख के, नॉर्मल तरीके से बॉडी को कूल करके, खूब सारा पानी, हाइड्रेट करना, पानी पीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, तो उससे सिम्टम्स चले जाते हैं। अगर 3 दिन के बाद भी ये सिम्टम नहीं जाते तो आपको अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो वैक्सीन लगते हैं उसका जो सबसे ज़्यादा खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है वो है एलर्जिक रिएक्शंस, एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो इसीलिए वैक्सीन लगाने के बाद सेंटर पे आपको हाफ एन आवर के लिए रोका जाता है कि कोई आपकी बॉडी में एलर्जी तो नहीं हो रही है, वो देखने के लिए। कुछ लोग वहाँ से भागने की जल्दी करते हैं, नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन लगाने के बाद आराम से वहाँ आधा घंटा रुकिए, क्योंकि कोई अगर एलर्जिक रिएक्शन होना होगा तो उस टाइम तक आपको कुछ ना कुछ बॉडी में मैनिफेस्टेशन आ जाएगी। आ तो सकती है बाद में भी, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और बहुत कम चांसेस हैं इस तरह का रिएक्शन होने की। अच्छा, अब मान लीजिए दो दोस्त एक साथ वैक्सीन लगाने गए, एक को बुखार आ गया, एक को नहीं आया, तो जिसको नहीं आया वो सोचेगा यार मेरे तो वैक्सीन काम ही नहीं किया, इसका मतलब इसको तो आ गया बुखार, इसका तो वैक्सीन काम कर रहा है। क्योंकि हमने वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को बहुत डिस्कस किया है, बुखार आए या बुखार ना आए, बॉडी में दर्द हो या ना हो, वैक्सीन अगर लगी है तो एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो गए हैं। दूसरा, जब सेकेंड डोज आप लगवाते हैं तो हो सकता है कि साइड इफ़ेक्ट थोड़े और भी ज़्यादा आए या बिल्कुल भी ना आए। आपको इस चीज़ से बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर जाइए, वैक्सीन लगवाइए, और जो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो दी गई हैं वो फॉलो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
वैक्सीनेशन आप प्रॉपर सेंटर से कराइए, जो गवर्नमेंट के ऑथराइज सेंटर है उनसे कराइए, क्योंकि फ्रॉड भी तो है ना। अभी मुंबई में पूरी सोसाइटी में पानी के इंजेक्शन लगा के चले गए, आगे कोई एनजीओ आके लगा के चला गया, तो जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो भी तो एक्टिव हो जाते हैं ना ऐसे टाइम पर। तो आप ऑथराइज सेंटर में जाइए, प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन कराइए, और अगर बुखार आता है या ये बॉडी में दर्द होता है, जो भी ये माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, इनसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए। इस वीडियो में इतना ही। ऑलवेज़ बी हेल्दी एंड हैप्पी।